देखिए फ्रैक्शन ऑफ वर्क का कॉन्सेप्ट हमने अभी देखा, उसके क्वेश्चन के ऊपर हम बढ़ते हैं। कैसे आएगा क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन नंबर वन, क्वेश्चन नंबर वन रीड्स लाइक दिस, 8-50% ऑफ वर्क इन 5 डेज। मतलब ए क्या कर सकता है, 50% ऑफ वर्क इन हाउ मेनी डेज, 5 डेज। तो पूरा काम करने कितना टाइम लेगा, 50/100 ऑफ वर्क इन 5 डेज। तो हमको यहां पे चाहिए वर्क, तो वर्क लगने क्या करना पड़ेगा, 100/50, दोनों साइड में 100/50 इनटू 50/100 ऑफ वर्क इन 100/50 इनटू 5 डेज। तो आंसर क्या आएगा, वन वर्क विल बी इक्वल टू, ये कटा इसके साथ, 5 कटा इसके साथ, तो आंसर आ गया 10 डेज। मतलब अगर ए को 50% काम करने के लिए 5 दिन लग रहा है, तो ऑफ कोर्स 10 दिन लगेगा पूरा काम करने के लिए। सिमिलरली बी को कितना लग रहा है देखते हैं, बी कैन कंप्लीट 3/5 ऑफ वर्क इन हाउ मेनी डेज, 9 डेज। तो पूरा काम करने के लिए कितना आएगा, इसका रेसिप्रोकल 5/3 इनटू 3/5 ऑफ वर्क इन 5/3 टाइम्स ऑफ 9 डेज। यहां पे वन वर्क आ गया, 3 3 9, 3 5 15, मतलब बी को लग रहा है कितना, 15 दिन। सिमिलरली सी को कितना लग रहा है, सी कैन कंप्लीट 2/3 ऑफ द वर्क इन हाउ मेनी डेज, 8 डेज। तो यहां पे मुझे चाहिए वन, तो कैसे आएगा, 3/2 इनटू 2/3 ऑफ वर्क इन हाउ मेनी, 3/2 टाइम्स ऑफ 8 डेज। तो यहां पे आ गया वन वर्क इज इक्वल टू 2 × 2 = 8, 4 × 3 = 12 डेज। तो यहां पे मैंने देखा कि ए अकेला अगर काम करेगा तो उसको 10 दिन लगेगा वो काम करने के लिए, बी को 15 और सी को 12। क्वेश्चन में पूछा है अगर ए बी और सी इन्होंने साथ में काम किया तो कितने दिन में काम कंप्लीट हो सकता है। तो देखो कैसे करना पड़ेगा, ए प्लस बी प्लस सी, ये तीनों आंकड़े जो आए हैं 10, 15 और 12, ये क्या इंडिकेट कर रहा है, पूरा काम कंप्लीट करने कितना टाइम लग रहा है। इंडिविजुअली अगर देखिए एक दिन में ए कितने दिन, ए अकेला कितना काम कर सकता है, 1/10, बी अकेला 1/15 और सी अकेला 1/12। अब फिर से बात आ जाती है एलसीएम की, एलसीएम कैसे लेंगे, सबसे बड़ा कौन सा है, 15। क्या 15 12 के टेबल में आता है, नहीं। 10 के टेबल में आता है, नहीं। 15 का दुगना होता है 30, क्या 30 10 के टेबल में आता है, जी हाँ। क्या 12 के टेबल में आता है, नहीं। क्या 30 का डबल 60, 60 10 के टेबल में आता है, आता है। 12 के टेबल में वहां भी आता है, तो मतलब एलसीएम लेंगे हम 60। अब 10 को कितने बार मल्टीप्लाई करेंगे तब जाके 60 आएगा, 6 टाइम्स। प्लस 15 को कितने बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 आएगा, 4 टाइम्स। 12 को कितने बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 आएगा, प्लस 5 टाइम्स। अब हर बार प्लस इसलिए किया है क्योंकि यहाँ पर प्लस है, कहीं पर भी माइनस होता तो माइनस भी ले सकते थे। तो यहाँ पे देखिए आंसर कितना आ रहा है, तीनों का एडिशन अगर किया, 6+4=10, 10+5=15, 15/60। इसका रेसिप्रोकल अगर हम करेंगे तो हमको टोटल नंबर ऑफ डेज मिल जाएंगे। तो ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 60/15, 1 × 4 × 1, तो अल्टीमेटली आंसर आता है 4 डेज। तो मतलब तीनों ने अगर साथ में काम किया तो 4 दिन में पूरा काम कंप्लीट हो सकता है, ऐसा इसका सलूशन है। तो बढ़ते हमारे क्वेश्चन नंबर